नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल उदयपुर भीलो का बिदला व भाजपा नेता रेखा आजा सोनी के संयुक्त तत्वाधान में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जन सेवार्थ निःशुल्क चिकित्सा व रक्तदान शिविर गांव आंजना में संपन्न हुआ। उक्त शिविर में कुल 726 रोगियों का पंजीयन होते हुए सभी प्रकार के रोगों का परामर्श करते हुए निःशुल्क दवाइयां दी गई। उक्त शिविर में 81 युवाओं ने रक्तदान किया, साथ ही 39 रोगियों को निःशुल्क ऑपरेशन हेतु उदयपुर भेजा गया। रक्तदान करने वाले और शिविर में सेवा देने वाले व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि कटारिया ने उद्बोधन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे मेडिकल कैंप होने चाहिए ताकि ग्रामीण लोगों को सस्ता व सुलभ चिकित्सा उपचार मिल सके। साथ ही कहा कि उदयपुर में निःशुल्क इलाज हेतु मुझे भी सेवा का मौका देवें। मानवता की सेवा के लिए आमजन आगे आते हुए रक्तदान करें व मृत्यु उपरांत अंगदान भी करें। इस देवगढ़ क्षेत्र से मेरा सदैव जुड़ाव रहा है, इस क्षेत्र की सेवा करता रहूंगा। आयोजक अजय सोनी व ओम बंसल ने भी लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर रत्नी देवी जाट, जिला प्रमुख कुलदीप सिंह ताल, प्रधान प्रतिनिधि मोती सिंह रावत, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा हुकुम सिंह आपावत, राजेंद्र सिंह रीडर, राम सिंह मंडल अध्यक्ष, संतोष कंवर, अशोक राका मंचासीन रहे। इस अवसर पर केसरी मल वेद, सुरेश देरासरिया, बाबूलाल कलवाड़िया, दिनेश जी नगर, सुरेश जोशी, नरेश पानेरी, कैलाश गर्ग, अनिल धाभाई, बस्तीमल कलाल, कन्हैयालाल सेन सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। मंच संचालन एडवोकेट लादूनाथ योगी द्वारा किया गया। कहे कि इसको आयोजन करने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा धन्यवाद। अजय सोनी और उसके परिवार ने इसका आयोजन किया, जिसके कारण से मैं और बाकी लोग भी आ पाए, डॉक्टर भी उसी कारण से आए, मरीज भी उसी कारण से आए। तो सबसे पहला धन्यवाद तो इनको, और दूसरा ये कि ग्रामीण लोगों को एक दिमाग में भय रहता है डॉक्टर के पास जाना, पता नहीं लाइन में खड़ा होना, पता नहीं क्या होगा, तो यहाँ एक स्वाभाविक उसका डर नहीं रहता है, तो बड़ी आसानी से आता है और अपनी बीमारी को बताता है। कई गंभीर बीमारी भी इसमें पकड़ में आती है, तो उनको आगे के लिए भी सुझाव देते हैं कि उनका इलाज कहाँ होगा। तो मैं सोचता हूँ जो आयोजन करता है और जो डॉक्टर आते हैं उनको हमारी सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन पेशेंट ने आकर के इसका लाभ लिया उनको भी इसका लाभ मिला, उनका आभार। नहीं, उनको अगर कोई बीमार ऐसी गंभीर बताई है तो उसमें बिना लेट किए वो निश्चित रूप से आगे के हॉस्पिटल या डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि उनको भविष्य की बीमारी से रोका जा सके।